Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to cover another part of class 12th, the chapter Enemy. So this is part 2. So we learnt in first part about Hana and Dr. Sadao, those who were standing near the railings and they could find a man washing off through the shores to near to their house, and they could see that there was someone who had come through the shores, and they were guessing that it could be any person who had lost his way. तो आगे देखते हैं क्या होता है. हाना केम, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देर वर फिशिंग विलेजेस, बट हियर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, डेंजरस विद रॉक्स. तो जैसे उन्होंने गेस किया था कि वो कोई फिशरमैन होगा एंड ही हैज वॉश्ड आउट थ्रू हिज बोट, तो उन्हें लगा कि वो ही होगा, और उन्हें मालूम था कि यहाँ से एक माइल के दूरी पर फिशिंग विलेजेस थे, जो लोग रहते थे, फिशरमैन यूज टू लिव ओवर देयर एंड दे यूज टू गो फॉर फिशिंग फ्रॉम हियर. तो उन्हें लगा कि यहाँ से वहीं से आए होंगे, क्योंकि ये कोस्ट बहुत लोनली था, डेंजरस था, क्योंकि ये बहुत एरिया रॉकी था, तो इसलिए शायद वो बहकर यहाँ आया है और उसको चोट लग चुकी होगी. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, तो जो एरिया था वो स्पाइकी था, मीन्स चुभने वाला, रॉक्स की वजह से. सम हाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, ही मस्ट बी बेटली टोरन, तो वो किसी तरह से आदमी उससे बाहर निकल तो आया था, लेकिन उन्हें अंदाजा था कि वो बुरी तरह से घायल हो चुका होगा. दे सॉ व्हेन दे केम टुवर्ड हिम दैट इनडीड इट वाज सो, और जब वो उसके वास्तव में पास आए तो उन्होंने देखा ऐसा ही हो चुका था. द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू, और एक साइड में उसके एक स्टेन दिखाई पड़ रहा था जिसमें से सोक थ्रू लग रहा था, जैसे घाव है और उसे ब्लड सोक किया हो. ही इज वाउंडेड, उसको चोट लगी है, सदाओ एक्सक्लेम्ड. ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस हिज फेस इन द सैंड, तो जो आदमी की पोजीशन थी वो उल्टा पड़ा हुआ था, मोशनलेस था, उसका फेस जो था वो उल्टा होने की वजह से सैंड में धंस गया था और सैंड उसके चेहरे पर लग चुकी थी. एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद हिज सी वाटर, और उसके सर पर एक कैप भी लगी थी जो किससे, सी वाटर से गीली होकर बुरी तरह से चिपकी हुई थी. ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और उसके कपड़े फट चुके थे. सदाओ स्टॉप्ड हाना एट हिज साइड एंड टर्न्ड द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस, और उन दोनों ने मिलकर उसको जब टर्न किया और जब उसका फेस देखा, अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, तो हाना ने कहा ये कौन था, ये कोई अंग्रेज था. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it hadn't been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. तो जब उसकी कैप गिरी तो उन्होंने देखा कि उसके येलो लॉन्ग हेयर थे जो शायद लंबे टाइम से कट भी नहीं लिए गए थे, और उसके फेस पर जो येलो बियर्ड थी उसे देखकर लग रहा था वो भी बहुत गंदे तरीके से उगी हुई थी, जैसे वो बहुत टॉर्चर में रहा हो. He was unconscious and knew nothing that they did for him. और वो बेहोश था, उसे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा था. So in this paragraph we learnt that Hana and Dr. Sadao, when they reached near the seashore and they could find out the man over there, when they turned him, they found he was wounded and he was a white man. He was not a Japanese or a fisherman that they were guessing about. Now Sadao remembered the wound with his expert fingers. He began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. अब सदाओ क्योंकि डॉक्टर था तो उसे घाव की याद आई. उसने अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स से उस घाव को ढूंढा, और जैसे ही उसने उसको टच किया तो एकदम से ताज़ा खून उसमें से फिर से बहने लगा, क्योंकि वो घाव जो था वो किससे था, घाव एक गन से दिया गया था और उसके छूने के बाद वो फिर से खुल गया था. द फ्लैश वॉज ब्लैकंड विद पाउडर, और गोली लगने से जो उसकी स्किन थी, जो उसके आसपास का मांस था, वो सब काला पड़ चुका था. समटाइम नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड नॉट बीन टेंडेड,
और उसने अंदाज लगा लिया कि इस आदमी को किसी ने गोली मारी थी और उसका इलाज नहीं हुआ था. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड. और उससे भी बुरा क्या हुआ, उसी घाव के ऊपर जब वो यहाँ गिरा पानी में तो उसे उस जो सरफेस है वो बहुत, हम ऊपर पड़ चुके हैं, स्पाइकी है, तो उससे उसे चोटें और लगी और उसके घाव को और चोट लग गई उन स्पाइकी पत्थरों से. सो हियर वी लर्न दैट द मैन वॉज वाउंडेड, ही हैड गॉट अ शॉर्ट गन एंड बिकॉज ऑफ गन शॉट ही वॉज वाउंडेड एंड हिज वुंड वॉज ओपन्ड ड्यू टू द another hit which was being done by a rock that were spiky of that area. So he was, when doctor touched his flesh, it again started flowing, the blood started coming out of the flesh. On how he is bleeding, Hana whispered again in a solemn voice. Ab Hana ki awaaz kaisi ho gayi, bahut kamzor ho gayi, aur usne pucha ki wo jo hai kaise kya kar raha hai, ब्लीड कर रहा है. द मिस्ट इन स्क्रीनड देम नाउ कम्प्लीटली एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय. और अब चारों तरफ जो है धुंध फैल चुकी थी और इस समय दिन के कोई भी नहीं आता था. द फिशरमैन हैड गॉन एंड इवन द चांस बीच कमर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड. और इस टाइम फिशरमैन भी चले जाते हैं और बीच पे घूमने वाले जो लोग होते हैं, जो बीच कॉम्बिंग करते हैं, यानी वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करना, बीच से जैसे आपके जो ओएस्टर होते हैं या जो इस तरह के पर्ल होते हैं, जो लोग होते हैं वो बीच कॉम्बर्स कहलाते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, तो वो भी इस टाइम नहीं देखे जा सकते थे क्योंकि अब शाम हो चुकी थी. नाउ द क्वेश्चन वॉज देस कि अब इस आदमी का करें क्या. उन्होंने उसको देख लिया, उसकी कंडीशन बुरी थी, अब उन्हें सपोज अब वो क्या करें. वॉट शेल वी डू विद दिस मैन, सदाउ मटर्ड. By his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to snatch fearful bleeding. और जब उन्होंने अपने हाथ से उसको देख लिया था तो वो क्या कर सकते थे, स्टैंच कर सकते थे उसकी जो ब्लीडिंग थी, जो फियरफुल थी, बहुत बुरी तरह से बह रही थी. उनके ट्रेंड हैंड्स इतना कर सकते थे कि उस ब्लीडिंग को रोक सकें. ही पैक्ड, उसने क्या किया, उसको पैक कर दिया. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. उसने वहाँ से sea से क्या है, थोड़ी सी moss जो समुद्र पर उग आई, जो वो होती है moss जिसे, जो गीली होती है, जो green color की होती है, जिसे हम काई कहते हैं, वो उसने वहाँ से उखाड़ के क्या किया, उसके जो उसका घाव था उस पर लगा दी. The man moaned with pain in his stupor, but he did not awaken. और जब उसने ये किया, जब उसने उसके सी मॉस को लगाया तो ऑब्वियसली उसको पेन हुआ होगा, तो वो मोंड मिस कराहा, वो दुख में कराहा, लेकिन उसने अभी भी उसे होश नहीं आया. द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन सी, सदाओ एंड सेड आंसरिंग हिमसेल्फ. तो उन्होंने सोचा अब क्या करें, उसका घाव तो बंद हो गया, ब्लड आना भी रुक गया, तो क्या करें, इसे वापस से समुद्र में फेंक दें, यही हमारा बेस्ट ऑप्शन है. बिकॉज ही डिड नॉट बिलोंग टू देयर ओन कंट्री, वो उनका एनिमी था, वो वाइट था और वो जापानीज थे और इस टाइम युद्ध की कंडीशंस थी जहाँ उन्हें मालूम था कि ये उनका दुश्मन है और उसे घर में लाना ठीक नहीं है. तो उन्होंने सोचा कि इसे वापस से हम समुद्र में फेंक देते हैं. नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स. अब ब्लीडिंग रुक चुकी थी, डॉक्टर ने उठकर अपने हाथों से मिट्टी को झाड़ा और वो खड़ा हो गया. Yes, undoubtedly that would be the best. और अब उसकी वाइफ ने भी कहा कि हाँ ठीक ही है, हम इसको वापस पानी में फेंक देते हैं. But she continued to stare down at the motionless man. लेकिन उसने उसे वापस से उस आदमी को देखा जो motionless पड़ा हुआ था. If we sheltered a white man in our house, we should be arrested and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadao said. अब उनके पास दो conditions थी. उसने कहा अगर हम इस आदमी को अपने घर में ले गए, चलो हम इसका इलाज कर दें, तो क्या होगा, हम अरेस्ट हो जाएंगे बिकॉज शेल्टरिंग एन एनिमी इज डिसीविंग योर ओन कंट्री. तो कहा कि हम ऐसा भी नहीं कर सकते, और अगर हम इसको प्रिजनर को दे दें तो क्या करेंगे, वो उसको वापस से जेल में डाल देंगे और ये वहाँ पर मर जाएगा. द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, इसलिए सबसे अच्छा क्या है, इसे वापस से समुद्र में फेंक दो, हाना सेड.
बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड. लेकिन ये कह तो दिया उन्होंने बट देयर वर्ड्स वर नॉट मैचिंग विद देयर एक्शंस. दोनों ने कहा लेकिन दोनों वहीं खड़े रहे. दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्जन अपॉन द इनर्ट फिगर. और जो इनर्ट जिसमें कोई मोशन नहीं था वो फिगर जिस वो व्यक्ति का वो उसे लगातार देखते रहे. वॉट इज ही, हाना विस्पर्ड, देर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन. और उसने कहा कि हाँ देखने से ऐसा ही लगता है कि जैसे वो अमेरिकन हो. सदाव सेड ही टुक अप द बैटर्ड कैप. यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज अ फेंट लेटरिंग अ सेलर ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप. ही स्पेल्ड इट आउट US नेवी. द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. तो जो कैप थी उस कैप के ऊपर उसका आइडेंटिटी मेंशन थी. और जब उन्होंने उसे पढ़ा तो पता चला कि वो एक US नेवी से आया हुआ व्यक्ति था और वो उस एक शिप का सेलर था और वो अब कहाँ था, प्रिजनर ऑफ वॉर. उसको प्रिजन कर लिया गया था. ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड. शायद उसने बचने की कोशिश की होगी इसीलिए उसको घाव लगा, शायद उसको गोली मारी गई. इन द बैक, सदा अग्रीड, कहा हाँ वास्तव में उसकी बैक को गोली लगी है. दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर. देन हाना सेड इन विद रेजोल्यूशन, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी. और उन्होंने हिचकिचा कर एक दूसरे को देखा. फिर हाना ने एक रेजोल्यूशन में सोता है पक्के इरादे के साथ क्या कहा कि चलो उसे वापस से समुद्र में फेंक देते हैं. क्या तुम उसे उठाने के योग्य हो? इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाउस आस्क. सदाव ने कहा अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो क्या तुम में हिम्मत है, तुम इसे उठा के वापस से समुद्र में फेंकवा दो. सो टिल हियर वी लर्नड दैट सदाव एंड हाना बोथ वर एबल टू स्टॉप द ब्लीडिंग from the wound and they later they found out that the man was a sailor and he was prisoned. He had come through the war and he was trying to escape himself so that he got the gunshot in his back and he was found here and they were planning to throw him back into the sea because they did not wish to take him as they could be arrested or else if they give him back to the jailers he will die over there. So they were decided to throw him back into the sea. No, Hana said, but if you can do it alone. Sadao hesitated again. The strange thing is, he said that if the man were whole, I would turn him over to the police without difficulty. उसने कहा कि मुझे अब दुख हो रहा है as a doctor और as a human being. अब हम यहाँ देख सकते हैं कि उसकी inner conscience उसे allow नहीं कर रही है कि वो उसको पानी में फेंक दे. कहता है अगर वो ठीक होता तो शायद मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं वापस से इसको पुलिस को पकड़ा देता. आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है. ही इज़ माई एनिमी, वो मेरा एनिमी है. ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो. जितने भी अमेरिकन्स हैं वो सब मेरे दुश्मन हैं और ये उन्हीं में से एक है. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़ बट सिंस ही इज़ वाउंडेड. उसने कहा देखो कितना फुलिश इसका फेस है लेकिन अब यहाँ फिर वो कहता है वाउंडेड है वो और वो यहाँ रुक जाता है. तो ये गैप हमें दिखाता है ही इज स्टिल इन द थिंकिंग मोड एंड ही इज नॉट विलिंग टू थ्रो हिम बैक इनटू द वाटर. दो ही इज नॉट टेलिंग ओपनली बट ही इज नॉट एबल टू डू दैट. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, दैट देर इज ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस. लेकिन अगर तुम भी इसे पानी में नहीं फेंक सकते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसे अपने घर में ले आए. बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, लेकिन हम अपने सर्वेंट्स का क्या करेंगे? सदाव ने पूछा. वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट. सदाव, वी मस्ट थिंक टू द चिल्ड्रन ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन. तो हम उन्हें सिंपली बता देंगे कि हम उसको घर में इसलिए लाए हैं क्योंकि हम उसे पुलिस को हैंड ओवर करना चाहते हैं और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बच्चे भी हैं और हमारी क्या पोजीशन है. इट वुड इन डेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी did not give this man over a prisoner of war. और अगर हमने इस आदमी को वापस से नहीं दिया तो हम सब in danger यानी मुसीबत में पड़ सकते हैं. Certainly, सदाव agreed. I would not think of doing anything else. उसने कहा हाँ इसके अलावा और मैं कुछ भी करने की कोशिश नहीं करूँगा. Thus, agreed. Together they lifted the man. He was very light like a foal. That had been half starved for a long time until it is only feathers and skeleton.
और जब उन्होंने उसको उठाया तो वो बिल्कुल हल्का था, ऐसा हल्का जैसे कब से उसे खाना आधा ही पेट दिया गया हो और उसकी सिर्फ स्केलेटन बची हो और उसकी बॉडी में कोई मांस नहीं था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। और किसी तरह से उन्होंने उसको पकड़ा और उसे क्या किया, वो अपने हाउस के अंदर उसको लेकर आए। दिस डोर ओपन्ड इनटू अ पैसेज, और ये जगह जो थी वो पीछे वाले डोर से जब लाए तो एक पैसेज पर खुलती थी। एंड डाउन द पैसेज दे कैरीड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। और उन रास्ते से लाइक दे वर नॉट कमिंग फ्रॉम द स्ट्रेट डोर, सीधे रास्ते से वो नहीं आए, वो उसको वाया वाया लेकर घर में आए ताकि उसके नौकरों की नज़र उस पर ना पड़े, और उसे एक खाली बेडरूम में लेकर आ गए। If it had been the bedroom of Sadao's father, and since his death it did not had been used. तो ये बेडरूम किसका था? सदाव के फादर का था, और तब से यूज में नहीं आया था। They laid the man on the deeply matted floor. उन्होंने क्या किया, उस आदमी को उस फ्लोर पर लिटा दिया जो मैट लगा हुआ था। Everything here had been Japanese to please the old man. और उसके फादर के लिए हर चीज़ यहाँ जापान की ही रखी हुई थी ताकि वो खुश रहे। सो वी कैन सी दैट द मैन वॉज टू मच इन लव विद हिज कंट्री। हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। और वो इतना अपने देश से प्रेम करता था कि उसके घर में कोई भी चीज़ फॉरेन की नहीं थी, नॉट इवन अ सिंगल चेयर और अ बेड वेर ही कुड स्लीप। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड्स and slid back to a door and took out a soft quilt. She hesitated. हाना कहाँ गई? वॉल के पास गई, उसने कबर्ड खोली और वहाँ से उसने डोर से एक सॉफ्ट क्विल्ट गद्दा निकाला और वो हिचकिचाई। The quilt was covered with flared silk and lining was pure white silk. जो गद्दा था वो बहुत अच्छी सिल्क से बना हुआ था और वो उसको उसे देना नहीं चाहती थी। ही इज सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। उसने कहा वो इतना गंदा है, उसे वो अपने बिस्तर कैसे दे सकती है। येस ही हैड बेटर टू बी वॉश्ड, सदाव अग्रीड। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। उसने कहा हाँ, पहले से हमें धोना होगा, इसलिए तुम क्या करो, गर्म पानी ले आओ और मैं इसको वॉश कर दूंगा। आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, She said, we shall have to tell the servants he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. तो उसने कहा अब तुम इसे नहीं छूओगे, हमारे नौकर हैं घर में तो मैं यूमी को बोलूँगी। यूमी was the one who used to take care of their kids. कि मैं यूमी को बोलूँगी, वो आएगी और वो इसको वॉश करेगी, वो थोड़ी देर के लिए बच्चों को अकेला छोड़ सकती है। Sadao considered a moment. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and I will tell to others. तुम यूमी को बताओ और मैं दूसरों को बताता हूँ। But the utter pallor of the man's unconsciousness face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. अब उसने उसको पीले पड़े चेहरे को देखा कि वो अनकॉन्शियस है या डेथ है, इसलिए उसने क्या किया, झुककर उसकी पल्स को चेक किया, वो चल रही थी। और जब उसने उसकी छाती को देखा तो वो भी उसमें हल्के से उसे धड़कन फील हुई, तो उसे पता चला कि मैन जो था वो अभी भी अलाइव था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, अगर इसका ऑपरेशन टाइम पर नहीं हुआ तो ये मर जाएगा, सदाओ सेड कंसिडरिंग। द क्वेश्चन इज whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear, don't try to save him, but if he should live. कहती है अगर इसको ठीक नहीं किया तो क्या वो वास्तव में मर जाएगा। हाना ने चिल्ला कर कहा इसको सेव मत करो, अगर ये बच गया तो हमारा क्या होगा। What if he should die, Sadao replied. He stood gazing. और उसने कहा अगर दूसरी कंडीशन में हम कहते हैं कि वो मर जाता है, अगर वो मर गया तो क्या होगा, उसने हाना को घूरते हुए पूछा। सो टिल हियर वी लर्नड दैट सदाओ एंड हाना ब्रॉट द मैन एट होम, दे ट्राइड टू टेक केयर ऑफ हिम, दे वांटेड टू वॉश हिम ऑफ एंड वांटेड टू क्योर हिम सो दैट ही कुड गो होम, सो दैट ही कुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस एज ही वॉज देयर एनिमी एंड दे कुड नॉट टेक हिम एनी मोर विद हिम। सो वी विल बी लर्निंग टिल हियर स्टूडेंट्स।
In next part, I will be covering another part of the chapter. Till then, take care and do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated.